के बारे। चलो बोलो यार। कच्चा पपैया पक्का पपैया, कच्चा पपैया पक्का। अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और माशाल्लाह से आज 3 रोज़ा तो नहीं थी, 10वां रोज़ा नहीं थी और 11वां रोज़ा, 12वां रोज़ा, आज 13वां रोज़ा है। तो आज से स्टार्ट कर दी हूँ, तीन रोज़ा नहीं थी तो अभी आज रोज़ा हूँ। और फिर वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, अब यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। अब यहाँ पे देखिए सुबह के टाइम पे ना कितना तक नमाज कुरान पढ़ते पढ़ते मेरे को कुरान शरीफ पढ़ रही थी, तो इतना टाइम हो गया। यहाँ पे देखो कितना प्यारा एकदम चुड़ियों लोग का आवाज़ आ रहा है, आप लोग आवाज़ सुनो, बड़ा ही प्यारा लग रहा है मेरे को। कभी मैंने यहाँ मुंबई में रह के ऐसे आवाज़ नहीं सुनती थी, लेकिन अभी यह जहाँ पे ऐसा घर ली हूँ ना वहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे ना, तो वहाँ पे बहुत आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मैं अगर सुबह में कुरान शरीफ पढ़ती हूँ ज़्यादा देर तक, तो यहाँ पे मैं आवाज़ सुनने मिलता है। तो देखिए, और अभी जाती हूँ थोड़ा सो जाती हूँ, क्योंकि आयान को स्कूल भी लेके जाना है, मत छोड़ाते इसलिए बंद कर देती हूँ। सेहरी वेहरी कर ली, किचन पे कुछ काम नहीं है, यहाँ का लाइट बंद कर देती हूँ। और हस्बैंड ने ये देखो यहाँ पे मेरे लिए लाइट लगाए हैं, कितना सब बोली थी तो माशाल्लाह ने लगा दी, यहाँ पे ला के ख़रीद के लाइट लगा दी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुकिंग करती थी ना, लाइट का रोशनी कम पड़ता था, तो उन्होंने यहाँ पे ला के लगा दी। अभी बंद करती हूँ, अभी सब बच्चे तो सो रहे, देखो खिलौने कैसे पड़े हैं सब रिदा के, यहाँ का भी लाइट बंद कर देती हूँ और फिर चलती हूँ, टॉर्च चालू कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो कब सब कैसे पड़े हुए हैं, रिदा उधर पड़ी है, आयान इधर पड़ा है, हस्बैंड जी यहाँ पे पड़े हैं, रिदा अपना चप्पल वहाँ रखी। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से बाद में। यहाँ पर निकाल के फ़ोटो देखना स्टार्ट हो गया, क्या चांद पे बैठी हूँ, किधर पे दिखाओ, दिखाओ ना दिखाओ, वो तो मेरा पुराना कालित। तो तब इंसान स्कूल टाइम में बाहर धूप में दौड़ता है तब काली नहीं हो जाता है, अभी घर में रहती तो गोरी हो गई। माँ भी काली थी बेटा, देख देख तेरी माँ भी काली थी। काली नहीं थी, देख काली थी, देख सांवली थी, वो धूप दौड़ रहे धूप में जाना आना। बोली चाय, चाय तो पक गया, चलो आओ आओ चाय देती हूँ, चाय चाहिए मम्मा चाय। अयान सुबह उठ के स्कूल भेज दी उसको, और तभी उसका सूट नहीं, गरीब में चले गया, और इनको चाय चाहिए अभी चाय। हमारी महारानी उठती है तो सबसे पहले चाय। रिदा, ओ रिदा आओ चाय पीने बेटा। रिदा को इस तरीके से रोटी तोड़ के देती हूँ तभी वो खाती है, और नहीं तो एक साथ में चलो बैठो आओ, ये देखो चाय का बुक्कड़ मेरा बेटा, आली मेरा बच्चा बैठो। हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, देखो चम्मच लेके बैठ गई, क्या हुआ बोलो क्या हुआ, लाओ डाल दो चम्मच लाओ, क्या हुआ फिर बोलो क्या हुआ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ डाल के खा लो, लाओ मैं खिला दूँ, लाओ खा लो मैं गुड्डा, शाबाश लो खा लो, लो। ए भाऊ भाग, सब पसारा निकाल के बैठ गए, अरे किसका कपड़े गंदे दिखते, रखती हूँ अभी उनका ही, मैं रोज सफाते रहती हूँ ना तो थोड़ा सही दिखता, नहीं तो उनका तो दिखेगा ही नहीं सही से। बस क्या ढूंढ रहे हो, हाँ मेरे केक का पेपर है जो मैं वहाँ पे सीखने गई थी, ये सब वहाँ पे बोलते लिखना पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे मैंने फटाफट वहाँ पे लिखते थोड़ा लिखा हुआ भी रहता है, थोड़ा अपने को लिखना भी पड़ता है। और ये सब हाँ लाओ दिखाऊँ, सही में दिखा है। तो ये देख तो क्या हुआ सही में, ये मेरी रीदा जब भी नहीं हो रही थी, डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि कितना मतलब
कितना क्या क्या करवाना पड़ेगा, फोकट में मैंने कितना पैसा खर्चा करी ये देखिए सब, मैंने में क्या क्या करवाई थी। और तो भी जब ही अल्लाह को देना था तभी दिए, तो फिर मैंने सब चुप बैठ गई, बहुत पैसा खर्चा करी, एक ही चीज़ संभाल कर रखी मैंने। रीदा का रिपोर्ट है, कितना रिपोर्ट है मेरा रीदा के चक्कर में बहुत। और रीदा जब भी प्रेग्नेंट हो गई थी तभी का पूरा फाइल, नहीं ये तो शादी का है, वो दूसरा कहाँ है, ये रीदा जब भी पैदा हुई तो सारा फाइल अभी तक मैं संभाल कर रखी हूँ, क्योंकि अभी रीदा का सर्टिफिकेट बना नहीं है, अभी बन जाएगा। ये देखिए एक एक छोटा सा पेपर मैंने संभाल के रखी हूँ, रीदा मेरे को बहुत मुश्किल से मिली है। और यहाँ पर ये तो ऐसे कर, धड़कन का कपड़ा है मेरा, धड़कन के बाबले मेरे धड़कन का कपड़ा है, ये मेरी जान का कपड़ा है। किसका कपड़ा है रीदा? ये बापू, ये आपका ही कपड़ा मैंने संभाल के रख ली हूँ, जब आप बड़े हो जाओगे तब समझ में आएगा। इतने चुनू सुनू सा जिंदगी का पहला कपड़ा जो मैंने खरीदी थी आपके लिए, ये देखो ये सब निकाल के रख ली हूँ, ऐसे इसमें रख दो, वो सब भी, ये सब भी मैंने संभाल के रख दिए दूसरे बेबी के लिए। जाने लगते हैं तो रीदा को बस प्यार ही आते रहता है, नहीं जाओ नहीं जाओ बोलती अब्बू, नहीं जाओ नहीं जाओ। मत जाओ, आओ मेरे पास आओ, आओ। सारा कुछ काम हो गया, बेडरूम का यहाँ पे का भी हो गया, सब सिर्फ लादी करना है। और यहाँ पर रीदा बैठ कर खेल रही है, और अभी हो रहा है आयान को लाने का टाइम, सारे घर में लगा दी हूँ, सिर्फ लादी बचा। और यहाँ पे मशीन लगा दी हूँ, कपड़े भी धुल जा रहे हैं, और टॉयलेट ये थोड़ा क्लीनिंग करना है, कपड़ा हो जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा लादी करना है। ये देखिए रीदा चाय पी तो गिराई है, उसको झाड़ू वाड़ू मार दी, सब कुछ सेटअप हो गया, बस सिर्फ लादी करना है। किचन में वो खाना रखा बच्चे लोग का, किचन का तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक हाथ मारना, किचन सब साफ़ है, वहाँ रोटी रखा, चाय इन लोग के लिए बच्चे लोग को बनाई थी, सब सहरी के टाइम पे बना दी थी, इतने से बर्तन है। आयान को लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आगे का सारा काम करूँगी। हमारी रीदा महारानी क्या बना रही हो रीदा? हाँ बहू बहू बाहू बना रही है मेरा गुड्डा, बना लो। चलो मैं मिलती हूँ आप लोग से, मैं फिर रेडी हो जाऊँ, फिर रेडी हो गई हूँ, मतलब इस कप बांध ली हूँ, जा रही हूँ बयान को लेकर आती हूँ, फिर आके मिलती हूँ, वहाँ पे भी देखती हूँ क्या है। चलो देखो रीदा चप्पल पहनने बोली, घर में चप्पल पहन के आ गए। चलो मशीन में लगा है कपड़ा, लाइट बंद कर देती हूँ, वहाँ का भी लाइट बंद करती हूँ, और फिर इधर का भी लाइट बंद करती हूँ। चलो आके जो बचे हुए काम करना है वो कर लूँगी मैं। ये देखिए मेरा 50 रुपये वाला चप्पल, ये मेरे को गांव में गई थी गिफ्ट मिला था, तो यहाँ घर में रेगुलर यूज़ कर लेती हूँ ना। देखो पकड़ पकड़ के, चलो चलो चलो, यहाँ पे आके बाहर हो जाता रहता है, देखो कितना फास्ट फास्ट चल रही है, ये देखो मुड़ गई मेरी आवाज़ सुन के, चलो 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 फटाफट चलो भाई को लेने, देखो छूट गई स्कूल, चलो चलो आज लेट हो गया, आओ आओ उठली दौड़ रही है, देखो माशाल्लाह कितना क्यूट। आयान साइड में बैठो, देखो अभी तक दौड़ रही है, अभी रुक गई, दौड़ो रीदा, ये देखो कितना क्यूट दौड़ रही है, ये जॉगिंग करने लगती हो, वॉक करती हो, ये माशाल्लाह मेरे गुद्दा। पूरा जामुन का पेड़ है यहाँ पे, इतना सारा जामुन पड़ा है, इतना सारा जामुन पड़ा है, देखो नीचे भी गिरा, पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया यहाँ पर, ये देखो कितने बड़े 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 यहाँ पे गिरा हुआ है, यहाँ पर गिरा हुआ है। जामुन क्या? इसको जामुन पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, पर यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है मुंबई में। ये देखो पे आ गए, लाइट चालू हो गई, आयान का बैग यहाँ रख देते हैं। आयान सबसे पहले यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं थोड़ा आराम करके फिर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम होने वाला है जोहर का,
कपड़ा भी हुआ नहीं, अभी 28 मिनट बाकी है। रीता को लेके आओ अंदर, नहीं आ रही है, थोड़ा एडिटिंग कर दो मोबाइल में, लाइट चालू, थोड़ा मैं एडिटिंग कर लेती हूँ मोबाइल में, फिर उसके बाद में आप लोग से मिलती हूँ, फिर जौहर का भी टाइम हो जाएगा। अभी पर देखो रीदा पैर दबा रही है, सिर्फ एक जुबान बोलूंगी, रीदा पैर दबा दो ना, मेरी बेटी दबाने लगी, अब भाग गई, देखो अब नहीं और देखो आ गई, अभी दबाएगी, भाग के जाएगी। तो और आयान भी दबा रहा मेरा पैर, दोनों जन भाई बहन मिलके दबा रहे हैं, अभी दबाएंगे, दो मिनट भी नहीं दबाएंगे, भाग लेंगे दोनों जन। पर रीदा को सुलाने की कोशिश कर रही है, रीदा सोने का नाम नहीं ली, देखो टॉयलेट करती लगता है। तुम सोओगी नहीं मम्मा, अफ्तारी नहीं बनाए, क्या कर ले हो, आओगे, आ जाओ, नहीं चलो अंदर आ जाओ, आयान तुम भी आ जाओ, आओ चलो स्टैंड अप, चलो बाहर जाएंगे, चलो अफ्तारी बनाएंगे। आज फिर से बना रही हूँ आप लोग के लिए, जेली बना रही हूँ मम्मी, जेली देखिए मैंने गैस चालू कर दी हूँ अफ्तारी का, तो इसको सबसे पहले कुक करके रख दूँ तब, ताकि फ्रीजर में, फ्रिज में जल्दी से हो जाए। मैंने यहाँ पे 200 ml पानी यहाँ पे डाली हूँ, और पूरा एक पैकेट डालेंगे, बच्चे लोग बहुत मतलब शौक से खाते हैं। हाँ बेटा क्या चाहिए, क्या चाहिए, रोटी खाए ना आप, ये बची हुई एक रोटी बची और सब्जी, मेरा वो पक रहा है सिरप, अब इसके अंदर मैं प्लेट ऐसा निकाली हूँ अलग अलग सब बना के आज करूँगी, क्योंकि आज बना रही हलवा पराठा, थोड़ा जेली इसमें डाल के खाऊँगी, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है अभी कलिंगर का, वो टूटी फूटी भी बनाऊँगी, देखो इसमें भी आ गया, तो क्या हुआ एक ही कलर रहेगा, अलग अलग कलर नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए यहाँ पे सब मैं निकाल दिया, सबको अच्छे से जमाऊंगी, ये देखिए आज खाऊंगी वो वाला जेली जो मतलब 5 रुपए का लीची वाला मिलता नहीं, और ये लीची फ्लेवर भी है, तो वही वाला इसमें सेब मिल जाएगा, तो मेरे पास आप लोग कप में डालते हैं प्लास्टिक के, तो वो नहीं है, तो एक साथ इतना सारा बनेगा, बच्चे और शौक से खाएंगे।
देखिए हलवा सब रेडी हो गया और आटा भी रेस्ट हो चुका है और मैंने ये कढ़ाई रख दी धो के वापस इसमें फ्राई करने के लिए। और अभी होने वाला है असर टाइम, तो मैं सबसे पहले असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर फ्राई करती हूँ। असर का अजान हो चुका है, अजान नमाज यहाँ रखा है, नमाज पढ़ के फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। और ये रेसिपी मेरे प्यारे अब्बू की है, जो मैं उन बचपन में हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तब मेरे अब्बू हम लोग को ये रेसिपी बहुत बना के बहुत खिलाते थे और हम लोग बहुत खाते थे। और जब भी मतलब सबे बारात आती थी ना, तो जब ये लास्ट में हम लोग को कड़क वाला नहीं पसंद रहता था, तो मैं बोलती थी अब्बू हम लोग के लिए ना वो गिल्ला वाला हलवा बना दो, और हम लोग मस्त पेट भर के खाते थे ये वाला। तो आज मैं अपने अब्बू की रेसिपी ट्राई करी हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बार बनाई हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब फर्स्ट टाइम बनाई हूँ, लेकिन उनके तरीके से मैंने फर्स्ट टाइम बनाई हूँ। मैं ये वाला हलवा बहुत एक बार नहीं बहुत बार बनाई, लेकिन जैसे उन बनाते हैं सेम टू सेम वैसा आज मैंने बनाई हूँ। तो चलो अब ज़्यादा देर नहीं करती हूँ, नमाज पढ़ लेती हूँ। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना करो और आगे बढ़ाओ, क्या पता कभी आगे बढ़ूंगी। मेहनत कर रही हूँ, कामयाबी देने वाला अल्लाह पाक है। तो चलो फिर अभी जाती हूँ नमाज पढ़ के, फिर मैं पराठा बनाती हूँ, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। नमाज हो गई है, अभी कोई है नहीं मोबाइल शूट करने के लिए, तो नहीं तो मैं आपको दिखाती किस तरीके से मैं चलूँ। तो मैं गूनी थी किस तरीके, कितना सॉफ्ट हो गया। और इसको एक ट्रिक बताती हूँ ना, इसको फ्राई करने के समय पराठे को एक तरफ हल्का कच्चा और एक तरफ एकदम, इससे क्या रहेगा क्रिस्पी और सॉफ्टनेस दोनों बरकरार रहेगी। दीदा तो पहले शुरू हो गई अजान होने से पहले, और अभी यहाँ पे अफ्तारी कट रही थी, अभी यहाँ पे लाके रख दी हूँ। हमारी महारानी पहले रेडी हो गई हैं खाने के लिए। कैसा बना है रीदा, रीदा कैसा बना है? इधर देखो मम्मा को देखो जान। मेरे यूट्यूब फैमिली को सलाम कर लो, सलाम कर। रिश्की का अख्तर तो फकत अब्बल मिन्नी बोल, अच्छा है। Thank you.
भी अफ्तारी के बाद ये सब किचन उचन सब कुछ क्लीनिंग हो गया, बर्तन वहाँ धो के रख दिए। यहाँ पे दूध दही के लिए दूध रख रही हूँ गर्म होने। और फिर हस्बैंड से आज एक गेम खेलने जा रहे हैं जो है कच्चा पपैया पक्का पपैया, तो उनको मैं बोलती चलो करें, फिर करते हैं तो देखते। और किडनैप हो चुकी है, मैं आई इन लोगों को गेम खेलने के लिए देख रही, तो यहाँ पे रीदा किडनैप हो चुकी है भाई, पीछे हाथ बना हुआ है। अब इसके सामने खाएंगे और इसको लचवाएंगे। अब रीदा का रिएक्शन देखते हैं आप। किसको खाना है, कौन खाएगा? अब यहाँ पर देखो रीदा के रिएक्शन। हाँ सर 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 रुक जा बेटा, पंखा चालू करो। नहीं पंखा नहीं, नहीं मत चालू करो, वीडियो में आवाज आएगी। ओ निकाल ली। तोड़ डाली लगता है। नहीं तो देखो चेहरों की ये 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 कौन बनाया चेली? मैं नहीं बनाया हूँ, मम्मी बनाई है। आज चैलेंज करेंगे कच्चा पापड़ पक्का, नहीं कच्चा पपैया पक्का पपैया, तुमको 10 बार बोलना है। तुम बोलो पहले, पहले तुम बोलो, नहीं मैं तुम बोलो, आज मैं तुम्हारे साथ गेम खेल रहा हूँ। नहीं बोले कच्चा पपैया पक्का पपैया, कच्चा पपैया कच्चा पपैया पक्का पपैया, कच्चा पपैया कच्चा पपैया पक्का पपैया, कच्चा पपैया पक्का पपैया, बोलो कच्चा पपैया कच्चा पपैया पक्का पपैया, कच्चा पपैया पक्का पपैया, कच्चा पपैया कच्चा पपैया, कच्चा पपैया पक्का पपैया, कच्चा पपैया पक्का पपैया, कच्चा पपैया पक्का पपैया बोल रही है मम्मा की बारे। चलो बोलो यार, कच्चा पपैया पक्का पपैया, कच्चा पपैया पक्का पपैया, पक्का पपैया कच्चा पपैया पक्का पपैया, कच्चा पपैया पक्का पपैया, इसको मैंने बोला पतिया पापा पतेजा। गाइस अगर ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि मेरे से रिलेटेड कोई भी वीडियो ना मिस हो। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।